हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न फैशन डिज़ाइन प्रेजेंटेड बाय डिज़ाइनर डिज बाय मोमिता। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि कॉटन फैब्रिक से स्टार्च रिमूव कैसे करते हैं, क्योंकि किसी भी कॉटन फैब्रिक को पेंटिंग करने से पहले ये देखना पड़ेगा इनमें ज़्यादा स्टार्च तो नहीं है। अगर है तो इसको सही प्रोसेस से बहुत आसान तरीका से रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम घर में ही स्टार्च को रिमूव कर सके बहुत ही आसान तरीके। प्रिंटिंग के टाइम कलर फैब्रिक को पकड़ के रखते हैं। अगर फैब्रिक में ज़्यादा स्टार्च हो तो वो कलर और फैब्रिक के बीच में एक रुकावट ला सकती है। इसलिए प्रिंटिंग करने के आगे अगर आपके कॉटन फैब्रिक में ज़्यादा स्टार्च हो तो वो रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैक्सिमम टाइम प्रिंटिंग करने के बाद ही फैब्रिक में स्टार्च की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे स्टार्च रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक के हिसाब से किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा पानी लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा नमक लीजिए। आप 1 लीटर पानी के हिसाब से 1/2 चम्मच नमक यूज कर सकते हो। अब इस पानी में फैब्रिक को 12 आवर्स तक डुबो के रखना चाहिए। के बाद फैब्रिक को पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ लेना चाहिए ताकि इसमें जरा सा भी पानी ना हो। एंड देन फैब्रिक को अच्छे से सुखाना चाहिए। और एक और बात, ज्यादा धूप में फैब्रिक सुखाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर इसमें कलर हो तो वो जल जाते हैं। फैब्रिक अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इसको आयरन करना पड़ेगा। एक बात अब नोटिस कीजिएगा कि जब इस कॉटन फैब्रिक में स्टार्च थे तो ये फैब्रिक थोड़ा हार्ड थे, और स्टार्च रिमूव होने के बाद ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसको आयरन करने के बाद आप प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज के हमारी प्रिंटिंग रिलेटेड एक टिप्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर करना, लाइक करना और कॉमेंट करना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन एंड फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू।